आज नौवें दिन भी पटवारी संघ की हड़ताल जारी। किसानों के हितार्थ किया गया संगीतमय सुंदरकांड का पाठ। बुधवार को शहर में निकलेगी पटवारी किसान तिरंगा यात्रा। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। विगत 28 अगस्त से जारी पटवारी संघ की हड़ताल आज नौवें दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने पंडाल में जारी रही। पिछले 25 वर्षों से पटवारी संघ की बहुप्रतीक्षित मांग ग्रेड पे 2100 से 2800 किए जाने, वेतन विसंगति को दूर करने, प्रमोशन सहित अन्य कई मांगों को लेकर आज नौवें दिन भी पटवारियों की हड़ताल धरना स्थल पर जारी रही। पूर्व में प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार पटवारी संघ के पंडाल में पटवारियों द्वारा किसानों के हितार्थ संगीतमय भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। रहती जोड़ी कर पद पग लागी राम, बोली बचन नीति रख पागी राम, करती हर पन पैरी हर हूँ राम, मोर कहायती हित ही ना धर हूँ राम। सुंदरकांड पाठ का आयोजन अच्छी बारिश एवं किसानों की खुशहाली व समृद्धि के लिए किया गया। अच्छे संकल्प एवं शुद्ध मन से किए गए कार्य एवं प्रार्थना को भगवान जरूर सुनते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज पंडाल में देखने को मिला। सुंदरकांड शुरू होने से पहले मंगलाचरण के समय से ही मौसम बारिश के अनुकूल हो गया। सुहाने मौसम में सुंदरकांड पाठ जारी रहा। भगवान किसानों के हितार्थ शीघ्र वर्षा करें, यही कामना के साथ आज पंडाल में रीवा जिले के सभी पटवारी उपस्थित रहे। देश व समाज की समृद्धि में किसानों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी संघ ने पटवारी किसान तिरंगा यात्रा का शहर में आयोजन किया है। किसानों से अपील की गई है कि दिन बुधवार को दोपहर 3 बजे से अधिक संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होकर पटवारी संघ की वर्षों से लंबित मांग का समर्थन करें। सुंदरकांड का संगीतमय पाठ पटवारी अवधेश वर्मा, एमपी विश्वकर्मा एवं उनकी मंडली द्वारा किया गया। श्रोतागणों में जिले की विभिन्न तहसीलों से उपस्थित पटवारी संघ के कर्मचारी एवं नेता मौजूद रहे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।